यार अली ये देख, मैंने फेसबुक पे आज लड़की सेट की है यार। इसकी रियल पिक है? नहीं यार, यार उसे रियल पिक्स में बुला। अच्छा यार मैं बुलाता हूँ पिक्स। ओ यार टाइम काफी हो गया मेरे साथ। चल ठीक है। Three days later. आजो यार। ओ यार क्या हाल है? ठीक ठाक यार। ओ याद है यार फेसबुक वाली की फोटोज मंगवाई है? हाँ यार मंगवाई थी, फारिक करा यार। क्यों क्या हुआ यार? क्योंकि यार उसका रंग गोरा नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। वाह बहुत अच्छा यार, सलाम है तेरी सोच पे। मुझे तुझसे ही उम्मीद नहीं थी, तेरी नजर में सिर्फ गोरे रंग की अहमियत है। चलो फर्ज कर लो कल को तुम्हारी शादी किसी गोरी लड़की से हो जाती है, वो तुम्हारी इज्जत ना करे, तुमसे तमीज से बात ना करे तो तुम क्या करोगे यार? नहीं यार ऐसा बहुत काम होता है। नहीं यार आजकल हर तरफ तो यही हो रहा है। मैं कल अखबार पढ़ रहा था, एक लड़की का रिश्ता टूट गया, वजह क्या थी कि उसका रंग गोरा नहीं था। बड़ी बड़ी कंपनियों को देख लो, काली लड़की इंटरव्यू तक नहीं दे सकती और गोरे रंग वाली लड़कियां कंपनी की सीईओ बनी हुई। दूर कहा जाना यार, हमारे मुआशरे में देख लो, स्कूल लाइफ में छोटे बच्चे एक दूसरे को रंगों के बुनियाद पर छेड़े होते हैं। कोई उसे कालिया कह रहा है, कोई उसे काली चरण कह रहा है। जिससे ये सब कुछ कहा जा रहा होता है वो फील करता है शायद मेरे अंदर भी कमी है, जबकि कमी उसके अंदर नहीं, कमी ऐसी सोच रखने वालों में जो सिर्फ और सिर्फ गोरे रंग को मियां देते हैं। यार सबसे बड़ी बात, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फुकियत हासिल नहीं। फिर क्यों हम रंगों की बुनियाद पर एक दूसरे को चढ़ाते हैं? क्यों हम रंगों की बुनियाद पर एक दूसरे को छोड़ते हैं? देख यार मेरा मतलब तेरा दिल दुखाना नहीं था, मेरा मतलब तुझे समझाना था, अब आगे तेरी मर्जी। अच्छा यार तो ठीक है, आज जाकर मैं सोच करूंगा।